मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत का आकार एंड स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे थे, चैप्टर नंबर एक ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ, ठीक है। उसके आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है, भारत के आकार और स्थिति के बारे में, ठीक है। कुछ मेन टॉपिक हैं जो आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। सबसे पहले जो पहली टॉपिक यानी कि जो पहला एंगल है वो देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां स्थान है, ठीक। यानी कि कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां विशाल देश है या फिर स्थान है। दूसरी टॉपिक जो आपकी आती है, ठीक है, वो आती है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि भारत की कुल लंबाई। क्षेत्रफल का मतलब होता है भारत वो आपका कितने में है, ठीक है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल, दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्रफल, ठीक। तो भारत का क्षेत्रफल आपका होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। कितना है आपका भारत का क्षेत्रफल? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। तीसरा आपका जो टॉपिक है, आपका तीसरी जो आपकी टॉपिक है वो है विश्व के कुल क्षेत्रफल, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो आपका पूरे विश्व में अगर तुलना की जाए, यानी कि पूरे विश्व की अगर तुलना की जाए तो जो आपका भारत है, ठीक है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, यहां पर लिखेंगे जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये आपका तीन महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, ठीक है, इस चैप्टर का। चौथा पॉइंट आपका है भारत की समुद्र तटीय रेखा, ठीक। भारत की समुद्र तटीय रेखा कुल कितने में है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे भारत की समुद्र तटीय रेखा आपका होगा 7,516.6 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका समुद्र तटीय रेखा, ठीक। फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पांचवा, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। फिर उसके बाद में हम आते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6, भारत की कुल थल सीमा की रेखा, ठीक, यानी कि जो भारत है उसकी थल सीमा की रेखा। यहां पर हम लिखेंगे भारत की थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। कितनी है भारत की थल सीमा? 15,200 किलोमीटर है। यहां पर हम लंबी भी लगा सकते हैं कि 15,200 किलोमीटर लंबी है, ठीक। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं आप लोगों को, पॉइंट नंबर 7, ये आपका चैप्टर से ही है, भारत का आकार और स्थिति, ठीक है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है।
फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को कुछ बताया ही गया होगा। अब ये बताएंगे आपको कर्क रेखा किन भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आप लोग देखिए सातवां टॉपिक ये है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। सबसे पहले जो उस राज्य का हम नाम लिखेंगे, पहला हो जाएगा आपका गुजरात, पहला हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान, तीसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, फिर हो जाएगा आपका मिजोरम, ये हो गया आपका मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा तो क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, आसमान में। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, ठीक है, वो इसी चैप्टर से लिया गया है, सब लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और किताब में, सॉरी, और कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, ठीक। देखिए इसी के बीच में आ जाता है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। आत्मा आपका क्या हो जाएगा, भारत के पड़ोसी देश। सबसे सब लोग जानते ही होंगे कि भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी का मतलब आप लोग समझते होंगे ना, जैसे आपका घर होता है, घर के बगल एक घर होता है, तो आप क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार जो देश है, इसके जो पड़ोसी देश है, सबसे पहला हो जाएगा आपका नेपाल, ठीक, पाकिस्तान, ठीक, फिर उसके बाद में म्यांमार और भी वो देश है, ठीक है। ये हो गए आपके पड़ोसी देश, ठीक है, जो भारत के जस्ट बगल में ही पाए जाते हैं, होते हैं, सॉरी होते हैं। ये हो गए आपके पड़ोसी देश। ये हो गया आपका 8 टॉपिक जो आपकी इस चैप्टर का मेन हेड है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम अगली टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नंबर 9 में ये है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, प्रदेश में समय में 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक। इसी चैप्टर में आपको बताया गया है, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताया गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। अब वो अंतर क्यों होता है, ठीक है, दोनों भारत में ही हुए, ठीक है, और दोनों राज्य आपके भारत में ही हैं, तो ये 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारी बात पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 घंटे का अंतर, ठीक, 2 घंटे अंतर। इसमें दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, स्थानीय समय में ऐसे अंतर से बचने के लिए, स्थानीय समय में, ठीक है, ऐसे अंतर से बचने के लिए तथा पूरे देश में एक समान समय बनाए रखने के लिए भारतीय मानव समय निर्धारित किया है, ठीक है। भारत ने मानव समय निर्धारित किया है और 82 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पूर्व की मानक मध्यांतर तथा स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय माना जाता है। यानी कि अगर हमारी बात आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, इसमें सिंपल सा आंसर है, ये जो 2 घंटे का आपका अंतर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा आप लोगों को अलग बताएंगे, जैसे कि जो टाइम का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जैसे कि टाइम जो भी चलता है, किसी भी माध्यम से चलता है, इसको मानव ने ही निर्मित किया है, ठीक, यानी कि ये मानव के आधार पर ही निर्मित है, ठीक।
जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में 4 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, ठीक है, ये हम लोग अपने मानों के अकॉर्डिंग ही इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, ठीक है, ये सारे चीजें जो होती हैं इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि जिस राज्य से होकर गुजरती हैं, ठीक है, उस किसी राज्य से होकर गुजरती हैं, किसी राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 82 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 82 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पूर्व मानक माध्यांतर, मानक माध्यांतर, माध्यांतर, ठीक, इसकी वजह से ये 2 घंटे का जो बीच में आपका अंतर आया है वो इसी वजह से आया है, यानी कि दोनों राज्य आपके इसी में है, दोनों राज्य आपके इसी में है, लेकिन ये आपका सर्कुलेशन 2 घंटे में डिफाइन किया गया है। तो अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, ठीक है, जस्ट आपका ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये आपका हो गया 10वां पॉइंट, ठीक। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा अब उनको हम एक बार फिर से इसको डिवीजन करा देंगे, ठीक है। भारतीय राज्य, ठीक, अगला पॉइंट है आपका भारतीय राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बारे में बहुत से बच्चों को पता होगा, ठीक है, कि इंदिरा पॉइंट किसे कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में देखिए, भारतीय राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, यानी कि ये जो भारत है, ये आप मान के हम इसको भारत ही चल रहे हैं, ठीक है, भारतीय राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक, जिसमें इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया था, ठीक है, यानी कि यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं सन 2004। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सुनामी किस सन में आई थी, ठीक है, वो आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, किस सन में आई थी, सन 2004 में आई थी, ठीक, यहां पे जो लगाना भूल गए हम, ये हो गया आपका सन 2004, यानी कि सन 2004 में जो सुनामी आई थी, ठीक है, भारत राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, सन 2004 में सुनामी लहर के कारण, ठीक है, वो समुद्र में क्या हो गया था, डूब गया था, ठीक, ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट। फिर उसके बाद में हम आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, 10 हो गया, हम यहां से लेते हैं क्योंकि यहां पर स्पेस बहुत ही कम है, यहां पर हम 11वीं पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब ये लोग ये चीज तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, कि भारत कोई छोटा सा देश तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिले भी होंगे, ठीक है, जिले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मध्यांतर काफी भागों में डिवाइड किया होगा, और यहाँ का जो क्षेत्रफल, मानसून, ऋतुएं जो भी हैं, ठीक है, वो निरंतर बदलती रहती हैं। तो आपका जो 11वां पॉइंट है वो ये है कि मृदा, मृदा में आप लोग जानते ही होंगे मृदा कहते किसे है, मिट्टी से रिलेटेड है ये, ठीक है, आते हैं यहां पर हम क्या मृदा, मिट्टी, ठीक, इससे पहले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि मृदा कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार का होता है, जो भी हो सपोज है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब मृदा के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है, ये आपका जो भारत का आकार है, स्थिति है, ठीक है, हर एक क्षेत्र पर ये डिसाइड होता है कि हाँ उस जगह का मृदा किस एंगल में हो, ठीक, और जैसे कि मृदा जानते हैं बलुई मिट्टी हो गया आपका, ठीक है, लाइट मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, ये सारी चीजें जो होगी वो आपकी किस में आती है, मृदा से हो जाती है, ठीक है। अब हम इसी को हम रिवीजन करवा देते हैं, जिन जिन लोगों को समझ भी नहीं आया एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, देखिए ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक,
जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत का आकार एंड स्थिति के बारे में, ठीक है। ये भारत का आकार और स्थिति के बारे में ही इतने पॉइंट बनी है। पहला पॉइंट आपका हो गया सातवां स्थान, ठीक, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां स्थान है, ठीक है, यानी कि ये सातवें नंबर पे है, ठीक। दूसरा टॉपिक हो गया आपका भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि आपका भारतवर्ष कितने में फैला हुआ है, टोटल आपका कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तीसरी पॉइंट, ठीक है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल 2.4% है, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर विश्व का कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है, अभी हम भारत का कर रहे हैं, लेकिन जब हम विश्व का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आपका आएगा 2.4% है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आपका है समुद्रीय तटीय रेखा, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया था, समुद्रीय तटीय रेखा, ठीक, 7,516.6 किलोमीटर है, इतनी आपकी समुद्रीय तट रेखा जो भारत से मिली हुई है या भारत में है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 पे जाते हैं, ठीक है, भारत की थल सीमा रेखा, ठीक है, यानी कि थल सीमा रेखा का मतलब ये हो गया कि ना वहां पर वन है ना ही वहां पर जल, यानी कि अस्थल, समझते ही होंगे आप लोग थल किसे कहते हैं। भारत की थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है, कितनी है 15,200 किलोमीटर लंबी है। पॉइंट नंबर 7 है आपका किन किन राज्यों से, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में त्रिपुरा हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया। ये ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर उसके बाद में हम 8वें पे जाते हैं कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से, ठीक है, भारत का आपका पड़ोसी देश आपका नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार, ठीक है, और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको समझ में शायद बहुत कम ही आया होगा, सबसे पहले देखते हैं दो घंटे का अंतर, ठीक है, यानी कि दो घंटे का अंतर का मतलब होता है कि भारत में दो ही राज्य, मतलब भारत के अंतर्गत दो राज्य ऐसे हैं, ठीक है, एक है आपका गुजरात और दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, और दोनों प्रदेश में दो घंटे का अंतर क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको आंसर दिया था, ठीक है, कितना 82 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पूर्व माध्यांतर की वजह से ये दो घंटे का आपका अंतर आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है आपका 10वां, ठीक है, इंदिरा पॉइंट क्या है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट अभी हमने आपको बताया था, भारत के राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत जो आपका देश है उस राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत के राज्य में जो दक्षिणी बिंदु है उसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आने के कारण ये समुद्र में क्या हो गया था, आपका डूब गया, ठीक है। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि भारत में किस सन में सुनामी आई थी, तो आंसर आप दे सकते हैं सन 2004 में, ठीक है। अगला टॉपिक है मृदा, ठीक है, मृदा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, साइंस में भी आपको इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी में भी बताया जा रहा है। मृदा यानी कि इसको अगर माना जाए शुद्ध रूप से तो ये आपकी क्या है, मिट्टी, ठीक है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, कितने भी, जैसे कि आपकी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, ये सारी मिट्टी जो होती है वो मृदा के अंतर्गत आती है, ठीक है। और हमारे भारत में और हमारे भारत के क्षेत्रफल में विभिन्न प्रकार के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे।